यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं मैसेज करता हूँ है ना, और ये मैंने मैसेज किया और वहां पर आप लोग देखिए लड़ फूटेगी। हाँ तो दोस्तों, इस कमाल के दिवाली प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन सामान की जरूरत पड़ने वाली है वो मैंने यहाँ पर जमा कर रख दिए। तो चलिए आप थोड़ा इधर आइए और मैं आपको एक एक सामान को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोगों को एक प्लास्टिक के बॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। हम इसी के अंदर सारे कॉम्पोनेंट को फिट करने वाले हैं। आप चाहो तो पीवीसी शीट से भी इसका बॉक्स बना सकते हो, मैं इसका यूज करने वाला। सबसे खास चीज फ्रेंड्स ये है कि हम लोग इसे पुराने कीपैड फोन की मदद से बनाने वाले और ये फोन चालू होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोगों को एक रिले मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है और उसके साथ साथ हम लोगों को एक LDR सेंसर मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। मैं LDR का कोई काम नहीं, हम लोग इसको निकाल के जो मोबाइल के अंदर से बाहर आएंगे उसे कनेक्ट करेंगे। हमें बस इस मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। दोनों मॉड्यूल का ना यूज कर यहाँ पर रिले का भी यूज कर सकते थे और एक BC547 ट्रांजिस्टर का। तो फ्रेंड्स इससे भी ये मैकेनिज्म बन जाता है, बट फ्रेंड्स क्या है, ज्यादातर लोगों का वर्क नहीं करता है। मैंने इसको करके देखा था पर ये वर्क नहीं कर रहा था। आसान तरीका है इन दोनों मॉड्यूल का यूज करना, इससे कनेक्शन भी काफी इजी रहते हैं और ये वर्क भी अच्छी तरह से करता है। एक हमें 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी की जरूरत पड़ने वाली है और इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल की। तो बस फ्रेंड्स हमें इतने ही कॉम्पोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों को मोबाइल को पूरा खोल लेना है। अब इसे भी हम लोग ओपन कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फोन को ओपन कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इसके मदरबोर्ड को निकाल लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस मदरबोर्ड में यहाँ पर हम लोग जो बटन दबाते हैं उधर जो लाइट ग्लो करती है वो लाइट में हम लोगों को यहाँ पर वायर को सोल्डरिंग करना होगा। किसी किसी फोन में फ्रेंड्स यहाँ पर पीछे दी होती है लाइट। इस मोबाइल में यहाँ पर 4 LED है, किसी फोन में 2 होगी 1 होगी, तो आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स देख लेना। हमें इसमें क्या करना है, 2 वायर को सोल्डरिंग कर लेना है किसी भी 1 LED में। तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस वायर सोल्डरिंग कर देता हूँ मल्टीमीटर से चेक करके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 LED लगी, इनमें से कोई सी भी 1 LED में आपको वायर कनेक्ट कर लेने। और फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीमीटर से प्लस माइनस आप लोग चेक कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, वापस से फोन को यहाँ पर बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगा दिया जिससे कि वायर बाहर आ जाए। चलिए फटाफट से हम लोग वापस से फोन को बंद कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस फोन में एक चालू सिम भी लगा देना है जिससे कि हम लोग यहाँ पर कॉल करें या मैसेज भेजेंगे उससे ये वर्क करने वाला है। यहाँ पर फोन में से हमें 2 वायर निकालने थे, वो निकल चुके हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो LDR सेंसर है इस मॉड्यूल में से इसे निकाल लेते हैं और इन दोनों वायर को इसमें लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगा देंगे। तो चलिए फटाफट से मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों मोबाइल के वायर जो निकले थे उसे हमने LDR की जगह लगा दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये रिले मॉड्यूल है उसको हम लोग इस मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 3-3 वायर है और इसके भी 3 वायर है, तो इसे हम लोग सामने सामने कनेक्ट कर देंगे। और अगर आप लोगों को कनेक्शन समझ नहीं आया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस माइनस और इन का पॉइंट, और इसमें भी लिखा हुआ है प्लस माइनस। तो यहाँ पर आप लोग सामने देख देख के यहाँ पर कनेक्शंस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने रिले मॉड्यूल को इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर 2 वायर भी निकाल दिए मैंने नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों मॉड्यूल को पावर देने के लिए। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं हम लोग, बैटरी को चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं प्लस माइनस वायर देख के कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने चार्जिंग मॉड्यूल को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड नाइक्रो वायर को भी हम लोग इसी बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं, तो पूरे सिस्टम को हम एक ही बैटरी से चलाने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस यहाँ पर नाइक्रो वायर के लिए 2 वायर कनेक्ट कर देता हूँ और हम लोग थोड़ा हैवी वायर यूज करने वाले हैं क्योंकि जो वायर गर्म होगा तो ये वायर पे ही लोड पड़ने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर कॉपर का वायर यूज करने वाले, आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग ने यहाँ पर नॉर्मल वायर यूज किया, नाइक्रो वायर के लिए हम लोग थोड़ा हैवी वायर यूज करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों हैवी वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो माइनस वाला मैंने सीधा निकाल दिया और एक रेड वाला वायर है प्लस वाला, उसे मैंने छोटा कट किया है क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला एक रिले मॉड्यूल में लगने वाला है और उसके बाद में फिर एक और यहाँ पर रिले मॉड्यूल से कनेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये जो रिले मॉड्यूल है ये स्विच की तरह काम करने वाला है। फ्रेंड्स मैं प्लस वाले वायर को यहाँ पर रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने नाइट्रो वायर के लिए भी वायर कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर आप लोग देखिए जो प्लस वाला वायर है वो यहाँ पर रिले मॉड्यूल के बीच वाले पॉइंट में गया और ये जो हमारा लेफ्ट वाला पॉइंट है उसमें से हमने निकाल दिया। आप राइट में भी लगा सकते हो। तो ये दो वायर ही हम लोग नाइट्रो वायर में कनेक्ट करने वाले। अब क्या करते हैं हम लोग ये जो दोनों मॉड्यूल को पावर देंगे तो एक वायर सीधा कनेक्ट कर देते हैं और एक वायर में स्विच लगा देते हैं और इनको हम लोग फटाफट से पहले बॉक्स में फिट करते हैं फिर उसके बाद में स्विच लगा। तो चलिए फ्रेंड्स सभी कंपोनेंट को इस बॉक्स के अंदर हम लोग ग्लू गन की मदद से चिपका देते हैं और यहाँ पर मैंने चार्जिंग मॉड्यूल के लिए भी कट कर दिया है जिससे कि हम लोग इसका पॉइंट बाहर निकाल सके। तो चलिए फटाफट से मैं सभी को ग्लू गन की मदद से चिपका लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सभी कंपोनेंट को इसके अंदर चिपका दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग एक स्विच कनेक्ट कर लेते हैं इन दोनों मॉड्यूल को पावर देने के लिए और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर वाले ढक्कन में कट कर लिया स्विच को लगाने के लिए। तो चलिए अब क्या करते हैं ये जो मॉड्यूल का एक वायर है वो सीधा बैटरी में कनेक्ट करते हैं और एक वायर में हम लोग स्विच लगा देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी कॉम्पोनेंट को यहाँ पर अच्छे से ग्लू गन की मदद से चिपका दिया है जिससे कि वायर ना निकले। और यहाँ पर आप लोग देखिए मॉड्यूल का एक वायर यहाँ पर स्विच में जा रहा है और दूसरा वायर जो स्विच से है वो यहाँ पर बैटरी में और जो मॉड्यूल का दूसरा प्लस वाला वायर है वो सीधा बैटरी में जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल से कनेक्शन से हमने जो दोनों मॉड्यूल है इसमें मैंने बीच में एक स्विच कनेक्ट किया, बाकी जो मोबाइल है वो तो हम लोग यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे हम लोग इसे ऐसे बंद कर सकते हैं और इसमें टेप लगा लेंगे क्योंकि बार बार हम खोल सके इसे। और इन दोनों वायर को हम लोग अभी लंबा करने वाले हैं। इस वायर का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए दो वायर जॉइंड है एक साथ और ये भी हैवी वायर है कॉपर का है जिससे कि नाइक्रो वायर गर्म होगा। चलिए इसे भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर टेप भी लगा दिए। तो चलिए अब क्या करते हैं इस वायर के इस वाले एंड पॉइंट पे यहाँ पर नाइक्रोम वायर को लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए इस नाइक्रोम वायर का यूज करने वाला हूँ मैं। ये काफी पतला है और ये यहाँ पर जलने पे बिल्कुल रेड हो जाता है। लोग कुछ इस टाइप का शेप बना लेते हैं और फिर इसे हम लोग वायर में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इस मोबाइल को ऑन करते हैं। देखिए हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो ये रेड होने लग जाएगा, मतलब जैसे अभी आप देखिए मोबाइल की डिस्प्ले बंद हो चुकी है। और अब क्या करेंगे हम लोग इस स्विच को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर आप लोग देखना जैसे ही मैं यहाँ पर मोबाइल का कोई सा भी बटन दबाऊंगा मोबाइल ऑन होगा और ये देखिए पूरा रेड हो चुका है आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही ये मोबाइल की डिस्प्ले बंद हो जाएगी वैसे ये नाइक्रो वायर भी बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये स्विच जैसे ही बंद होगा तो वैसे ही ये पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। यहाँ पर आप लोग देखिए मोबाइल को भी हम लोग दबाएंगे तो भी वर्क नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है। तो चार्ज करके दिखाना तो मैं आपको भूल ही गया। यहाँ पर आप लोग देखिए हम लोग किसी मोबाइल चार्जर से यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर रेड लाइट ग्लो हो गई है, जैसे ही ब्लू हो जाएगी तो फुल चार्ज हो जाएगा। पर अभी इतनी बैटरी है कि मैं आपको टेस्टिंग दिखा सकता हूँ। तो चलिए फटाफट से टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिवाइस को लगाते हैं और एक हम लोग वन शॉट लगाने वाले पहले। तो चलिए इसे ऑन कर देते हैं और इसके जो यहाँ पर नाइक्रो वायर में यहाँ पर इसकी बत्ती लगा देते हैं, फिर आपको मैं मोबाइल से मैसेज भेज के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जो हमने नाम रख रखा था उस मोबाइल की जो सिम में, यहाँ पर मैंने मैसेज किया और वहां पर आप लोग देखना। मैं मैसेज करता हूँ है ना, और ये मैंने मैसेज किया और वहां पर आप लोग देखिए लड़ फूटेगी। तो काफी अच्छा वर्क कर रही है। तो वहां पर कचरा बम लगा है। तो चलिए अब मैं मैसेज करता हूँ उस डिवाइस में और वहां पे आप लोग देखना बम फूट जाएगा और काफी मस्त तरीके से चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, बस इतनी थी टेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।